हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं की फीचर्स ऑफ बजट 2024-25 को लेकर के। ये जो हम लोग बजट डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग दो पार्ट में करेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर हम लोग बजट के जो जो प्रोविजंस आए हुए हैं इन प्रोविजंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो कि एक सीरीज ऑफ वीडियोज़ रहेगी इसमें हम लोग एनालिसिस पार्ट डिस्कस करेंगे। और इस एनालिसिस पार्ट में कई सारी चीज़ें रहेंगी जो डेप्ट टू GDP इस टर्म से रिलेटेड रहेगी, क्रेडिट से रिलेटेड रहेगी, या फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट और भी पॉइंट्स यहाँ इस बजट में डिस्कस किए गए हैं इसकी एनालिसिस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स रहने वाले हैं। इस बजट की सीरीज़ के बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़, जो कि अगेन काफ़ी एग्जॉस्टिव रहेगी बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। अब इस बजट में अगर बात किया जाए तो बजट का जो रोड मैप है वो विकसित भारत के नाम पर तैयार किया गया है, और ये जो विकसित भारत है ये 2047 तक अचीव करने की एक टारगेट ईयर लिया गया है। यहाँ पर मेनली फोर मेजर कास्ट के बारे में बात की गई है। अब ये जो कास्ट है बेसिकली ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है। जैसे इसमें एक एरिया है जो गरीबों का है जिसे हम पुअर बोल सकते हैं, इसके अलावा वुमेन का है दैट इज़ महिलाएं, इसके अलावा फार्मर हो गया जो कि अन्नदाता हो गया, और लास्ट में हो गया युवा यानी यूथ को लेकर के हुआ। अब ये आखिर में जो चार पिलर्स यहाँ पर बताए गए हैं इन चारों पिलर को अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है। जो पुअर हैं पुअर को हम लोग पुअर या जो मार्जिनलाइज्ड हैं इनको किसी तरीके से पॉवर्टी लेवल से ऊपर लेकर के आना है, क्योंकि 2047 तक अगर हमें विकसित भारत बनाना है यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो इसमें जो जो वीकर एंगल पर हैं उन्हें ही यहाँ हमें फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे पुअर सेक्शन है, और अगर मुझे डेवलप्ड कंट्री में बदलना है तो पुअर सेक्शन की ऑब्वियसली मुझे काफ़ी ऊपर पहुँचाना पड़ेगा, काफ़ी इनको फोकस करना पड़ेगा, इनकी जो पर कैपिटा इनकम है इनकी इनकम एबिलिटी जो है इसे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। दूसरा अगर वुमेन के बारे में बात करें तो वुमेन भी अभी सोशली तो चलो ठीक है, इकोनॉमिकली भी काफ़ी बैकवर्ड है, कई सारी महिलाएं इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, तो इनको फॉर्मलाइजेशन की ओर ले करके आना है, तो फॉर्मलाइजेशन की ओर ले करके आना है, और साथ ही साथ में इनका जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है उसे भी हमें बढ़ाना है। थर्ड पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा है वो है यूथ को लेकर के। अब यूथ अल्टीमेटली आज की डेट में हम लोग इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के थ्रू गुजर रहा है। अब ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका हमें यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं ना कहीं प्रेशर के तौर पर बन जाएगा। अब इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए हम लोग दो तरीके कर सकते हैं, या तो हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकते हैं, और या फिर हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर सकते हैं। हालांकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये भी अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट को ही जन्म देगी, तो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वी आर फोकसिंग ऑन MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और जो भी स्टार्टअप वगैरह हैं उनको किस तरीके से फोकस करना है इसके लिए यूथ सेक्शन को यहाँ पर टारगेट किया गया है। इसके अलावा फार्मर हो गए, अब फार्मर की इनकम को भी डबल करना है क्योंकि ये भी डेवलप्ड कंट्री में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो इस वजह से फार्मर की भी जो भी स्टेटस है इसको भी इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर बनाई गई हैं, और इसी वजह से इनको भी फोकस एरिया में लिया गया है। तो ये चार एक ऐसे सेक्शन हैं जिनके थ्रू अल्टीमेटली वी आर हैविंग अ विज़न ऑफ डेवलप्ड इंडिया। तो हमारा 2047 तक जो जो ऑब्जेक्टिव है जिसका हम लोगों ने डेवलप्ड इंडिया एक विज़न ले रखा है उसके लिए चार बेसिक पैरामीटर देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो चार बेसिक थीम हैं या जो चार बेसिकली यहाँ पर कास्ट हैं इनके लिए कुछ थीम्स टारगेट की गई हैं। थीम्स में एक है आपकी एम्प्लॉयमेंट, दूसरी है स्किलिंग, तीसरी है MSME और चौथी है मिडिल क्लास। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर स्किलिंग है या MSME है ये सब तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपका यूथ हो गया या वुमेन हो गया या फिर जो फार्मर हो गया, इन सभी के लिए ये अल्टीमेटली काम में आने वाला है। और जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास अल्टीमेटली जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है इस इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया गया है, टारगेट किया गया है। अब वन बाई वन करके अगर डिस्कस किया जाए कि क्या क्या यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर टोटल नाइन यहाँ पर फोकस एरिया लिया गया है। नाइन फोकस एरिया में पहला फोकस एरिया लिया गया है एग्रीकल्चर को लेकर के।
अब एग्रीकल्चर के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो एग्रीकल्चर में प्राइमरली हम लोग दो तरीके से देख रहे हैं, एक इसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना है और दूसरा इसकी रिजिलियंसी को इन्हेंस करना है। अब अगर हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी फार्म पर ईल्ड है, यानी एक ज़मीन पर एक खेत पर जितना भी ईल्ड निकल करके आ रहा है, ये अभी हमारी काफ़ी कम है। अगर हम चाइना और डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम है। हालांकि हमारे यहाँ पर ओवरऑल जो फर्टाइल एरिया या जो लैंड अंडर कल्टीवेशन है, जिसे हम लोग नेट सोन एरिया भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, बट फिर भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। तो प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इन्हेंस करना है, ये टारगेट लिया गया है हमारे इस बजट में। इसके अलावा रिजिलियंसी पर भी फोकस किया गया है। अब रिजिलियंसी क्या चीज़ है? रिजिलियंसी का मतलब सिंपल है कि हम लोग इस समय क्लाइमेट चेंज के जो दौर चल रहा है इससे गुजर रहे हैं, और इस क्लाइमेट चेंज के कारण से रेनफॉल पैटर्न में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है, हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन सब के कारण से जो हमारी क्रॉप है ये क्रॉप अल्टीमेटली फेल कर जा रही हैं। तो क्रॉप के फेलियर के लिए हमें कुछ इस तरीके की क्रॉप को डेवलप करना है जो अल्टीमेटली इस क्लाइमेट चेंज के थ्रू या क्लाइमेट चेंज के अंडर रिजिलियंट रहे, यानी कि इसका क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा खास प्रभाव न पड़े। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वगैरह लेकर के आना पड़ेगा। तो रिजिलियंसी यही है कि जहाँ हम क्लाइमेट को क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर बना रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। तो ये पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। अब इसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर टारगेट किया गया है। जैसे अब हमें अगर प्रोडक्टिविटी भी अगर बढ़ाना है, चाहे रिजिलियंसी बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पर अपना जो एग्रीकल्चर है इसे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अभी तक अगर देखें तो हमारे पास में खास कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ डेवलप नहीं हुई थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह डेवलप की हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। ऑल्दो रिसर्च की प्रोसेस अपने आप में काफ़ी ऑलरेडी स्लो होती है, तो अगर यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं रहेंगी तो अल्टीमेटली कहाँ पर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें एग्रीकल्चरल रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो भी हम लोग क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटी ऑफ क्रॉप है उसे डेवलप करेंगे, और साथ ही साथ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी हम लोग एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशंस डेवलप करेंगे। अभी के डेट में अगर देखें तो हमारे पास में ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यही एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन अगर हम इस एग्रीकल्चरल रिसर्च पर जब टारगेट करना शुरू करेंगे तो देयर विल बी मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस दैट आर गोइंग टू फोकस रिसर्च इन आवर इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखने को मिलता है आत्मनिर्भर भारत के तौर पे। आत्मनिर्भर का मतलब ये हो गया कि अगर हम आज की डेट में देखें तो वी हैव पल्सेज एंड ऑयल सीड। अब ये जो पल्सेज एंड ऑयल सीड्स हैं इंडिया में, इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और हालांकि हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और कंजम्पशन को मीट करने के लिए हमें बाहर से इम्पोर्ट भी करना पड़ जाता है। तो इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन भी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आप क्या करें आखिर में? तो हमें यहाँ पर पल्सेज और ऑयल सीड की वैरायटी पर काम करना पड़ेगा। हमें इसकी आत्मनिर्भरता पर, यानी इस इम्पोर्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट करें एक्सपोर्ट के साथ में, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ पर जितने भी ऑयल सीड्स हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, इसको टारगेट किया गया है कि हम कैसे इसे हम फोकस कर सकते हैं, कैसे इसकी हम ईल्ड बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसकी पर कैपिटा जो प्रोडक्टिविटी है ये हम लोग बढ़ा सकते हैं। रिजिलियंसी को फिर से यहाँ पर फोकस करने के लिए नए वैरायटी को रिलीज़ किया जाएगा। अब ये जो नए वैरायटीज़ हैं ये बेसिकली क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, यानी क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप और हाई ईल्ड वाली क्रॉप को यहाँ पर डेवलप करना है। यहाँ पर टोटल 109 क्रॉप हैं ऐसी जिसे हम लोग अल्टीमेटली इंट्रोड्यूस करेंगे। 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप विल बी रिलीज्ड फॉर कल्टिवेशन बाय द फार्मर। तो 32 ऐसी फील्ड क्रॉप होने वाली है और 100 न्यू हाई ईल्ड वैरायटी क्रॉप होने वाली हैं जो कि रिलीज की जाएंगी और ये क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को टारगेट करेंगी। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लेकर के आई गई है। व्हाट इज़ दिस नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी? अब जैसे क्या है कि हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर को देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं और अल्टीमेटली अपना संग सारे काम कर लेते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो साथ में अगर मिल करके करेंगे तो इट इज़ ईजी टू टैकल। यही चीज़ यहाँ पर की जा रही है कि फॉर सिस्टमैटिक ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अब हमारे पास में एक पॉलिसी रहेगी। पॉलिसी क्यों ज़रूरी होती है? पॉलिसी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जितने भी हमारे पास में इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनके लिए अपनी एक गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर में ये किस तरीके से काम करेंगे। तो गाइडलाइन जब मिली रहती है तो रास्ता क्लियर रहता है कि हमें फोकस किस तरीके से करना है। अब ये सब टारगेट एरियाज़ के अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जहाँ पर फोकस किया गया है, जिसमें से एक है नेचुरल फार्मिंग। अब जैसे नेचुरल फार्मिंग का मतलब हो गया, जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए अब यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जो नेचर बेस्ड यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। अब नेचर बेस्ड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर सॉइल की मल्चिंग की जा रही है तो भी वो ट्रेडिशनल टेक्निक से की जा रही है, या जो भी पेस्टिसाइड या जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं ये सब बायो फर्टिलाइज़र्स एंड बायो पेस्टिसाइड यूज़ किए जा रहे हैं जो कि नेचुरली क्रिएटेड होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ दिक्कत ये आती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की पहचान कैसे करनी है, इसका कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर फार्मर बोलता है कि देखो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं ये डेवलप्ड कंट्री अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट को ये कह करके मना कर देती हैं कि आपकी जो फार्मिंग है उसकी प्रैक्टिस या जो उसका आपने स्टैंडर्ड बना करके रखा हुआ है वो हमारे स्टैंडर्ड के साथ में मीट नहीं कर रहा है। तो आखिर में इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम कैसे और सही करें, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि 1 करोड़ फार्मर अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग। हम इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेकर के आएंगे 1 करोड़ जो फार्मर्स हैं, क्योंकि इसकी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इसको हम सर्टिफिकेट देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गिव सर्टिफिकेट टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स, प्लस साथ में हम इसकी ब्रांडिंग भी कराएंगे जिससे कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट मतलब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डेवलप्ड कंट्री जो मना कर देते थे, तो हम इसकी जब सर्टिफिकेशन करके देंगे, जब इसकी ब्रांडिंग करके देंगे, तब इसका एक्सपोर्ट हम जो है आराम से कर सकेंगे, तब यहाँ पर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं आने वाली है। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब जैसे क्या है कि आज की डेट में अगर देखें तो हमें एग्रीकल्चर को भी डिजिटली आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये फार्मर और उनके ज़मीन को 3 साल तक बेसिकली कवर किया जाएगा। कवर करने का मतलब ये हो गया कि पहले हम जो भी इनकी ज़मीनें हैं उसका पहले हम ड्रोन सर्वे कर लेंगे, उनका जो भी डिजिटाइजेशन करना है वो कर लेंगे। तो इस डिजिटाइजेशन के बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें फोकस में आ जाएंगी, जैसे क्रॉप की यील्ड कितनी आई है तो क्रॉप की यील्ड पर हम फोकस कर सकेंगे, ड्रॉट अगर पड़ा है तो ड्रॉट को भी हम लोग देख सकेंगे, जितनी प्रोडक्टिविटी निकल करके आई है वो प्रोडक्टिविटी हम लोग देख सकेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें क्रॉप और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें पता लग जाएंगी और उसका हम डेटा माइनिंग भी कर सकेंगे, और फिर अल्टीमेटली जो भी मतलब आगे का आगे एक्शन रहेगा वो हम फिर ले सकेंगे। इसी तरीके से 400 डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप यहाँ पर डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। इंश्योरेंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड, ये कुछ नहीं है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह जो दिया जाता था इसमें डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको अब बिना डॉक्यूमेंटेशन या फिर कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब ये जन समाधान स्कीम के तहत सामर्थ स्कीम के तहत जो है हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी फिजिकल जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के बेसिस पर दे दिया जाएगा। अब अगला आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेकर के। एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को लेकर के अब कई सारी चीज़ें की गई हैं। अब इस स्कीम में क्या क्या पॉइंट है उसको समझने के लिए थोड़ा सा इससे रिलेटेड बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर अभी हम लोग देखें तो इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के थ्रू अगर हम लोग देखें तो वी आर ट्रांजिटिंग थ्रू थर्ड फेज। हम लोग इस समय थर्ड फेज में गुजर रहे हैं। इस थर्ड फेज का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी जो बर्थ रेट है वो अब कंट्रोल की जा रही है और डेथ रेट तो ऑलरेडी कंट्रोल हो चुकी है। तो इस बर्थ रेट और डेथ रेट के कारण से अब हमारा जो पॉपुलेशन पिरामिड दिख रहा है वो बेसिकली एक डेमोग्राफिक डिविडेंड को दिखा रहा है। तो दिस इज डेमोग्राफिक डिविडेंड को यहाँ पर शो किया जा रहा है। अब ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है एक्चुअल में ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। दिस इज ह्यूमन रिसोर्स। अब अगर हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स है और हमारे पास में अगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप हो रही हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये एक बर्डन के तौर पर हो जाएगा और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर में एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब इसी चीज़ के लिए अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज़ को और जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सभी को इंसेंटिवाइज करने की बातें कही गई हैं कि हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और यहाँ पर सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा उसको मैं इंसेंटिवाइज करूँगा। दिस इज़ इंसेंटिवाइज करना, जैसे कहने का मतलब यही है, जैसे कि स्कूल में अगर कोई फर्स्ट आ जाता था तो फिर उसको
प्राइज़ दिया जाता था, तो प्राइज़ दिया जाता, तो यहाँ से एक कंपटीशन भी जनरेट होगी और साथ ही साथ में एक जो इंसेंटिवाइजेशन होती है, ये इंसेंटिवाइजेशन की भी एक तरीका निकल करके आएगा। यहाँ पर प्राइमरली सरकार ने तीन तरीके की स्कीम निकाली है। तीन तरीके की स्कीम में यहाँ पर एक तो है जॉब क्रिएशन से रिलेटेड, जॉब क्रिएशन मतलब अगर आपको जॉब मिल जाए, और बाकी दोनों EPFO से रिलेटेड है। EPFO जो कि आपकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से प्रोविडेंट फंड में पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो स्कीम ए है, ये है फर्स्ट टाइमर्स के लिए। व्हाट इज़ दिस फर्स्ट टाइमर? जैसे मान लो कि आपने कोई जॉब सीख किया और आपको जॉब मिल गई है, अगर आपकी जॉब मान लेते हैं कि जितनी भी है, मान लेते हैं कि अगर सपोज 10,000 रुपये आपको मंथली सैलरी मिल रही है, या फिर मान लो आपकी जॉब लगी है 40,000 मंथली सैलरी पर, तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, आपका जो फर्स्ट महीना पहला वाला जो आपका सैलरी विड्रॉ किया जाएगा, उसमें सरकार अप टू 15,000 और देगी। यानी कि आपकी सैलरी जितनी है उतना ही और दे दिया जाएगा। तो अप टू 15,000 का मतलब 40,000 है, तो साथ में 15,000 और दे दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जाएगा? क्योंकि सीधी सी बात है, पहली सैलरी आप लोग क्या करते हैं, पहली सैलरी आपकी पूरी खर्चे में निकल जाती है। आप गए वहाँ पर, मकान लिए, अपना जो बेसिक यूटेंसिल्स है वो सब किए, घर पे भी कुछ पैसा दिए, तो इस वजह से क्या है कि जो बेसिक एक कह सकते हैं कि गिफ्ट मनी के फॉर्मेट में सरकार यहाँ पर दे रही है कि आप जो भी आपके खर्चे हैं वो आप सिर्फ पूरी की पूरी अपनी पहली सैलरी से मत खर्च कर दो, और इस तरीके से एक थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। दूसरा है जो जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के स्कीम नंबर बी है। दिस इज लिंक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज अगेन इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफिक स्केल फॉर द फर्स्ट 4 ईयर एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 30 लाख यूथ। इसमें किया ये जा रहा है कि जैसे जब भी नौकरी लगती है, तो उसके बाद से कंट्रीब्यूशन 10-12% का आसपास का आपको EPFO में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो अब सैलरी अपनी है, फिर उसके बाद से EPFO में आपको कंट्रीब्यूट करना है, फिर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में भी एक्स्ट्रा बर्डन रहता है कि आपको इस EPFO फंड में कंट्रीब्यूट करना है। तो इस कंट्रीब्यूशन के नाम पर अल्टीमेटली सरकार ने यह कहा कि देखो, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उस एम्प्लॉय पे और ना तो एम्प्लॉयर पे, दोनों पर ही एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। और सरकार यहाँ पर कही कि हम जो है इंसेंटिवाइज करेंगे 4 साल तक, जिससे कि आप इस जो भी यहाँ पर एम्प्लॉई आपका वो स्टेबलाइज हो जाए, जो भी इसकी चीज़ें हैं वो सब स्टेबलाइज हो जाए। तो बेसिकली इस तरीके से ऐसे समझिए कि शुरुआत में जब भी आप जॉब पाते हैं, मान लेते हैं कि दिस इज़ इनिशियल डेज ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, तो इनिशियल डेज में क्या है कि आपकी जो इनकम होती है बड़ी लड़खड़ाई रहती है, इस तरीके से रहती है, फिर एक समय के बाद में ये इस तरीके से स्टेबल कर जाती है। तो जो लड़खड़ाई हुई इनकम है, चूँकि यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही थोड़ा सा शेयर करने के लिए सरकार ने यहाँ पर ये सब इंसेंटिव स्कीम निकाल करके रखी हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा स्टेबलाइज होने में जो भी आपको पॉसिबल हेल्प मिल सकती है वो यहाँ पर हेल्प दे दी जाएगी। तो ये बेसिकली हेल्प दी जा रही है। स्कीम नंबर सी इसी तरीके से निकाली गई है, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर को लेकर के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीइंबर्स EPFO कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर फॉर ऑल न्यू हायर्स। तो जितने भी यहाँ पर नए हायर्स आ रहे हैं, उनके लिए 3,000 रुपये 2 साल के लिए दिया जाएगा। इससे जो भी 50 लाख जॉब्स हैं, इससे जनरेट होने की संभावना है। अब बेसिकली यहाँ पर जो आपका ये टेक्निकल डिटेल्स है, ये तो आप याद रखना है तो याद रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर होने वाला है वो ये है कि हाउ गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली बैलेंसिंग द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर है, दोनों को किस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है, इस पर मेन टारगेट किया गया है। इससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर एक तरफा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और जो एम्प्लॉयज़ हैं ये भी कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करेंगे, तो जितनी भी इनकी ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें जो हैं, वो भी फुलफ़िल होते रहेंगी। अब यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पर PM के पैकेज में ये जो फोर्थ स्कीम यहाँ पर निकाली गई है, यह है स्किलिंग प्रोग्राम को लेकर के। व्हाट इज़ दिस स्किलिंग प्रोग्राम? 3 प्रोग्राम तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, A, B and C, और ये हमारी चौथी हो गई। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि आपको स्किल दिया जाएगा। यहाँ पर 5 साल तक के लिए जो 20 लाख यूथ हैं, इनको स्किल दिया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्कोप मॉडल। इसका मतलब क्या है? अब जैसे अभी के डेट में अगर देखेंगे तो हमारे पास में जो इंडस्ट्रियल नीड है वो है ड्रोन की। इस समय अगर देखेंगे तो इस समय नीड है वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो रखी है। कई सारे सॉफ्टवेयर्स की आज की डेट में डिमांड है। तो अगर आप पुराना करिकुलम देखेंगे तो जो पुराना करिकुलम बना हुआ है, ये सब नीड कब आई है? ये सब आई है 2015-16 के बाद से, जिससे डिजिटल मीडिया जितना ज़्यादा आगे बढ़ा है, डेवलप हुआ है, तो इन सब चीज़ों की नीड आ गई है। तो इन सब चीज़ों के कारण से अल्टीमेटली जो हमारा पुराना कोर्स है, मतलब अगर जो 2008 के में डिज़ाइन किया गया कोर्स होगा, ऑब्वियसली वो इररिलेवेंट हो गया। अब तो MS Word थोड़ी ना पढ़ेंगे आप।
तो इस चीज़ के लिए कहा यह गया है कि आईटीआई जो डिप्लोमा वगैरह कराती है ये सेटअप किए जाएंगे। अब ये जो सेटअप किए जाएंगे ये बेसिकली दो तरीके से किए जाएंगे, एक किया जाएगा हब के फॉर्मेट में, दूसरा रहेगा स्पोक के फॉर्मेट में। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो दिल्ली है, अब दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स का ले आना बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन आसपास के जो एरियाज़ हैं, मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा जितने भी हैं, तो ये सब क्या है कि यहाँ पर छोटे छोटे आईटीआई डेवलप किए जाएंगे ताकि यहाँ के जो लोकल यूथ हैं या जो भी एरियाज़ के लोग हैं ये अल्टीमेटली यहाँ पर स्किल होंगे। स्किल होने के बाद में फिर इन लोगों को दिल्ली भेज दिया जाएगा, दिल्ली भेज करके यहाँ पर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दे दी जाएगी, और इस तरीके से ये लोग जो ड्रोन या वीडियो एडिटिंग या किसी भी सॉफ्टवेयर या जो भी उस आज की डेट की जो डिमांड है उस डिमांड को ये लोग पूरी तरीके से समझ जाएंगे, अल्टीमेटली दे विल बी इम्प्लॉयबल, ये इम्प्लॉयबल बन जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा मास को कवर कर लिया। अगर सारा मास इस छोटे छोटे एरिया की जगह पर ना जा करके दिल्ली में ही चला जाता तो दिल्ली में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ मच जाती, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती, क्योंकि ये सभी लोग उठ करके, मैं कह रहा हूँ कि अगर हर जगह से 1,000 लोग भी चले गए तो 1,000 अगर 10 जगह से लोग पहुँच गए तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पर 10,000 लोगों की फूटफॉल बढ़ जाएगी। ऑलरेडी दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसके पास है 10,000 और फूटफॉल अगर कर देंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। और इसी चीज़ को स्किलिंग प्रोग्राम को यहाँ पर हब एंड स्पोक मॉडल पे यहाँ पर डेवलप किया गया है। इसके अलावा और क्या किया गया है, फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स थ्रू सीड सेटिंग अप ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के बाद अब पीजी में महिला जा रही है, रात में डर है, वर्किंग प्लेस पर डर है, तो कहीं ना कहीं वुमेन इज़ नॉट फीलिंग सेफ, और इस कारण से जो इनकी इम्प्लॉयबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। दूसरी चीज़, जब भी महिला मान लेते हैं कि मदर बनती है तो उसके बाद से बच्चे को फीड कराना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो बेसिक रीज़न होते हैं जिसके कारण से वुमेन की हमें सर्विस सेक्टर या फिर वुमेन की पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मल इकोनॉमी देखने को नहीं मिल पाती है। इन दोनों के लिए व्यवस्था की गई है, कहा यह गया है कि जो भी इंडस्ट्री रहेगी वहाँ पास में हॉस्टल्स डेवलप किए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री, और साथ में मदर रहेंगी तो इनके लिए क्रीशे फैसिलिटी भी डेवलप की जाएगी जहाँ पर बच्चे या मतलब एक तरीके से आंगनवाड़ी होती है समझिए, जहाँ पर बच्चे जो है कुछ समय के लिए वहाँ पर रख दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, और फिर सोएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, और अल्टीमेटली मदर जो है वो जा करके अपना जो भी काम करना है वो काम करेगी। इसके अलावा लोन दिए जाएंगे अप टू 7.5 लाख विद अ गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड एक्सपेक्टेड टू हेल्प 25,000 एवरी ईयर। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है या स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करना है, अगर आपको मान लो कोई एक्स्ट्रा कोर्स ही करना है, आपने बीटेक कर लिया, बीटेक करने के बाद में अगर आप इंप्लॉयबल नहीं है देन यू नीड टू हैव सम स्किल डेवलपमेंट, तो इस स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो 7.5 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाएगा, लेकिन ये दिया जाएगा 25,000 लोगों को ही हर साल। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पैसे किस तरीके किस बेसिस पर दिए जाएंगे, क्या आपको यहाँ पर मतलब अलग से मतलब कुछ भी देने की ज़रूरत है, क्या है किस तरीके का है वो ज़रा समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कई सारी स्कीमें हैं, एक स्कीम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा स्कीम। अब इस मुद्रा स्कीम में आपको अलग से, जैसे अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक के पास अगर जाएंगे तो बैंक बोलेगी चलो ठीक है मैं आपको 10 लाख का लोन दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे 15 लाख की प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज चाहिए। अब आपके पास तो मॉर्टगेज है नहीं, किसको गिरवी रखेंगे, तो आप कहेंगे चलो ठीक है मैं एक काम करता हूं, मैं एक बंदे को लेकर के आ रहा हूं, ये बंदा जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट मतलब कि ये मेरे बदले में कुछ यहां पर गिरवी रख देगा। अभी बंदा कह रहा है मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं, तो अब जो आप थे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप क्या करेंगे। अब एक ऑप्शन ये है कि जो मनी लेंडर है इस मनी लेंडर के पास में जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये आपका जो तरीका होने वाला है ये तरीका इनफॉर्मल हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं रहेगी। सरकार ने कहा देखो ऐसा है मैं स्कीम तरह तरह की लेकर के आता हूँ, जैसे मुद्रा स्कीम हो गई, हालांकि मुद्रा इज जस्ट फॉर एग्जांपल जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आइडिया डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर में ये जो गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड होते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको सरकार कहेगी ठीक है ऐसा करो तुमको बैंक वगैरह पैसा नहीं दे रहा है तुम मेरे पास आओ। सरकार के पास आप पहुँचे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लिए गए, डॉक्यूमेंट लिया गया कितने पैसे की ज़रूरत है, कहाँ पर पैसे खर्च होंगे, किस तरीके से खर्च होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसके बेसिस पर सरकार ने आपको पैसे दे दिए, ठीक है आपको लोन प्रोवाइड कर दिया गया। लोन प्रोवाइड करने के बाद में अब लोन जो प्रोवाइड किया गया ऑब्वियसली वो किसी बैंक के थ्रू ही किया गया है, सरकार के पास ऐसा कोई पैसे का झोल नहीं है। तो यहाँ पर किया ये गया है कि गवर्नमेंट ने अब बैंक को एक तरीके से इस तीसरे बंदा जो तीसरा बंदा कह रहा था मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ, अब सरकार कह रही है मैं तुम्हारे लिए करूँगा, और अल्टीमेटली बैंक के थ्रू आपको एक लोन मिल जाएगा, आपको पैसे मिल गए।
लेकिन इसके बदले में सरकार कहती है कि मुझे भी कुछ कमीशन की जरूरत है, मुझे भी कुछ कमीशन चाहिए, तो ये 1-2% अपना कमीशन रख लेते हैं और अल्टीमेटली फिर जो है बैंक अपना जो भी इंटरेस्ट रहती है 8% 10% जितना भी फॉर्मल है वो सारा फॉर्मल यहाँ पर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर लोन का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है, 11-12% यहाँ पर हो जाएगा, जो पहले आपको 8-10% पे मिल सकता था लेकिन सरकार गवर्नमेंट ये जो बैंक है वो दे नहीं रही थी। तो यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि आपको पैसे इस तरीके से दे दिए जाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। अगर मान लो कि आपको पढ़ाई करने जाना है, मान लो IIM में पढ़ाई करनी है और यहाँ पर फीस जो होती है बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे करेंगे? तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में अगर आपको पढ़ाई करना है या प्राइवेट कॉलेज में भी मान लेते हैं पढ़ाई करनी है, आपको MBBS करने जाना है, वहाँ पर 80 लाख रुपये की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? 10 लाख रुपये यहाँ पर फाइनेंशियल लोन के तौर पर आपको दिया जाएगा। डायरेक्ट ई वाउचर टू 1 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर, हर साल 1 लाख बच्चों को दिया जाएगा। एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का। अब जैसे मान लो यहाँ पर 11-12% पड़ा, सरकार कहेगी ऐसा है 3% मैं आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहा हूँ, आपको केवल 8-9% जितना पड़ा यही आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेन चीज़ की गई है इस एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के नाम पर। नेक्स्ट जो यहाँ पर फोकस किया गया है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस को लेकर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आप जरा देखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा डेमोग्राफिक डिविडेंड को किस तरीके से मैनेज करना है, प्लस साथ में इस ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ में हमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सोशल जस्टिस, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे एक स्कीम इसमें निकाली गई है पूर्वोदय, विकास भी विरासत भी, विकास भी और विरासत भी। इसका मतलब क्या है? विकास का मतलब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट तो अल्टीमेटली करना ही है, डेवलपमेंट फिजिकल और सोशल दोनों तरीके के डेवलपमेंट को यहाँ पर काउंट किया जाता है, फिजिकल एज वेल एज सोशल। दूसरा है विरासत, विरासत का मतलब होता है जो आपकी इनहेरिटेज होती है, तो दिस इज हेरिटेज कल्चर हो गया, तो जो विरासत है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसको भी फोकस किया जा रहा है। सो दिस इज प्लान फॉर एंडोमेंट फॉर रिच स्टेट्स इन द ईस्टर्न पार्ट कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश भी, फॉर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू अटेन विकसित भारत। तो डेवलप कंट्री के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारे जो रीजनल बेसिस के एरियाज़ हैं वो भी हमारे डेवलप्ड होने चाहिए। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये डेवलप की जाएगी एक इंडस्ट्रियल नोड के नाम पर गया में। अब जरा समझिएगा व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियल नोड। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम्स एनालिसिस। इस सिस्टम्स एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे हमें मतलब डेवलपमेंट करनी है। उसके लिए 3 पैरामीटर होते हैं, एक होते हैं नोड, दूसरी होती है लिंक और तीसरी होती है फ्लो। अब जैसे मान लो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। अब ये अमृतसर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोलकाता तक जो बनाई गई है, यहाँ पर क्या डेवलप एक्चुअल में होगा? यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कई सारी डेवलप हो जाएंगी अलग अलग तरीके से, प्लस हमें ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत अच्छे से मिल जाएगी, प्लस यहाँ पर मार्केट वगैरह डेवलप हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह अगर किसी को लगानी है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ एडवांटेज मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन यहीं पर गया बिहार में यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमें डेवलप करना है। तो दिस इज इंडस्ट्रियल जो नोड है, नोड का मतलब होगा यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप करना है, कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री। ज्योग्राफी में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ पोल ग्रोथ सेंटर, तो एक्चुअल में ये ग्रोथ पोल ग्रोथ सेंटर के तरीके से गया को डेवलप किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, प्लस साथ ही साथ में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होंगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर सारा काम किया जा रहा है। एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। तो जो भी महिलाओं के लिए, जो भी लड़कियों के लिए जो स्कीम वगैरह है, उस चीज़ को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। दिस इज सोशल जस्टिस कि हमें इक्वालिटी किस तरीके से लेकर के आनी है, एक्चुअल में इक्वालिटी नहीं इक्विटी किस तरीके से लेकर आनी है, उस पर यहाँ पर सारे काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो ट्राइबल कंडीशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको और ज़्यादा फोकस करने के लिए, उनके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को फोकस करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। मोर देन 100 ब्रांच ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये सेटअप किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। पोस्ट बैंक, जैसे आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस जरूर मिलेगा, तो आप पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा कुछ खास काम तो होता नहीं है क्योंकि अब सब तो व्हाट्सएप हो गया या जितनी भी कोई चिट्ठी पत्री, अब तो कोई लिखता नहीं है, तो इसके लिए अब पेमेंट बैंक बनाया जा चुका है, जिससे कि पोस्ट ऑफिस का एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको रिवैम्प कर दिया गया था। तो नॉर्थ ईस्ट एरियाज विच इज़ डिसकनेक्टेड पार्ट, अगेन यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ये पोस्ट पेमेंट बैंक जब बनाएंगे तो इससे इंक्लूसिविटी भी आएगी, कनेक्टिविटी भी होगी, और काफ़ी हद तक हम अपना नॉर्थ ईस्ट के एरिया को डेवलप भी कर लेंगे।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन पैक्ट के तौर पर दिया गया था। अब आंध्र प्रदेश में आखिर ऐसा क्या चीज़ है? 2014 में आंध्र प्रदेश का जब बाइफर्केशन किया गया था तो हैदराबाद जो उसकी राजधानी है वो चली गई तेलंगाना के पास में। अब तेलंगाना हैदराबाद की रिच कल्चर के कारण से, ऑलरेडी डेवलप्ड कल्चर के कारण से बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश अल्टीमेटली यहाँ पर डिवाइड होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा इसकी कंडीशन वल्नरेबल हो गई। इसकी कंडीशन वल्नरेबल का मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास इनकम के सोर्सेज नहीं रह गए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोन भी एरिया नहीं है। फिर तो यहाँ पर अल्टीमेटली उस समय के जो मतलब सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यही कहा था सरकार से कि आप मुझे, आप आंध्र प्रदेश को डिवाइड भले ही कर दो, लेकिन मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आपको देना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बेसिकली जो भी स्टेट्स होते हैं उनको शुरू की वल्नरेबिलिटी को सही करने के लिए पैकेज के तौर पर दिया जाता है। फिर अल्टीमेटली 2014 में गवर्नमेंट बदल जाती है। गवर्नमेंट बदलने के बाद में नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आती है उसने ये कहा कि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अब किसी को नहीं देंगे, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने अब रिकमेंडेशन दी है कि किसी को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देना चाहिए। और इस कारण से आंध्र प्रदेश में तमाम एजिटेशन हुई, तमाम यहाँ पर जो भी इंटर स्टेट काउंसिल्स वगैरह हैं वहाँ पर भी आवाज़ उठाई गई। फिर फाइनली इस समय पॉलिटिकल कंडीशन कुछ इस तरीके की हुई कि आंध्र प्रदेश को उसके वल्नरेबिलिटी को देखते हुए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो नहीं दिया गया, लेकिन इसको स्पेशल पैकेज जरूर दिया गया है। और इस स्पेशल पैकेज में 15,000 करोड़ की मतलब पैसे दिए जा रहे हैं। जो पोलावरम डैम है, जो पोलावरम बेसिकली लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसको भी मतलब यहाँ पर फाइनेंस किया गया है। इसके अलावा जो भी वाटर, पावर, रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी यहाँ पर हमें इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर चीज़ें की गई हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो कोरपतली है नोड है, या फिर ओरवाकल नोड है हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, इन सब को डेवलप करने के लिए यहाँ पर पैसे दिए गए हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वगैरह हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरा हमें ध्यान से देख लेना चाहिए। नेक्स्ट जो किया गया है वो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को लेकर के। अब जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर मुझे ग्रोथ करनी है, कंट्री को अगर डेवलप्ड कंट्री में बनना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। हम लोगों का जो सर्विस सेक्टर है ऑलरेडी वो काफ़ी डेवलप कर गया है, काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ गए हैं, हालांकि अभी भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी दिस हैज़ ऑलरेडी बीन क्रॉस्ड द बैरियर। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है ये अभी अपने वल्नरेबल सिचुएशन में है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की भी जो चीज़ें हैं वो अभी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहा, जैसे मान लो कि कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर की जो भी चीज़ें हैं वो सब माइक्रोचिप बेस्ड होती हैं और वो सब चाइना बेस्ड होती हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो डेवलप कर दे रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो चलाएंगे कंप्यूटर में ही, तो अगर हम कंप्यूटर भी बना लेंगे तो हमारे लिए ग्रोथ के ज़्यादा बेटर चांसेस देखने को मिल जाएंगे। और इसी चीज़ के लिए हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को टारगेट करना काफ़ी ज़रूरी है। सो यहाँ पर कई तरीके से सभी को टारगेट किया गया है, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब यहाँ पर क्रेडिट गारंटी स्कीम दी जा रही है, कहने का मतलब ये हो गया, सपोज मान लेते हैं कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है MSME के अंतर्गत, ऑब्वियसली बिजनेस जो होते हैं MSME के ही अंतर्गत होते हैं, या तो स्मॉल होते हैं या फिर मीडियम होते हैं। तो आपने मान लो कि कोई बिजनेस अगर स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप मान लेते हैं कि सपोज B2B बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, B2B बिजनेस के कारण से अल्टीमेटली आप अपना जो भी सामान है वो अलग अलग रिटेल शॉप पे जा करके रखोगे, अलग अलग रिटेल शॉप पे जा करके रखोगे। अब आपने क्या है कि आपने लोन पर सारा काम उठा रखा है, लोन ले रखा है, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है और आपकी मंथली जो होती है 15,000 रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट कटती है। आपने क्या किया, इन दुकानों को जाकर के अपना जो भी प्रोडक्ट है वो सब दे दिया। अब दुकान वाले तुरंत आपको पैसे नहीं देते हैं, दुकान वाले आपसे क्रेडिट पर सामान लेते हैं, और ये क्रेडिट नॉर्मली क्लियर की जाती है, नॉर्मली 30 डेज लग जाते हैं, मतलब 7 to 30 डेज यहाँ पर लग जाते हैं क्रेडिट को क्लियर करने में। वो तो दुकान पे डिपेंड करती है, लेकिन आपको तो मंथली 15,000 रुपये देने हैं। अब आप क्या करेंगे, आपके पास में मान लो पैसे नहीं है, तो सरकार कहती है देखो ऐसा है, अगर आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट देने में दिक्कत आ रही है और डिफ़ॉल्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 डेज में आपका जो भी अकाउंट होता है, 30 डेज अगर आपने जो भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो आपका अकाउंट जो होता है SMA में बदल जाता है, NPA जैसे होता है वैसे ही आपका SMA होता है। तो यहाँ पर 30 डेज के बाद आप क्या करेंगे, एक नया लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से टू रीपे दिस क्रेडिट। तो इसी को बोला जा रहा है क्रेडिट गारंटी स्कीम, की सरकार आपको गारंटी देगी किसी तरीके की कोई मतलब दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर MSME क्रेडिट। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अब न्यू असेसमेंट मॉडल का मतलब ये हो गया कि हम अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए अब आपको इधर उधर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें अब मैं न्यू असेसमेंट मॉडल के थ्रू करूँगा। कैसे करूँगा,
मैं आपके एमएसएमई को पहले उद्यम पे देख लूंगा कि रजिस्टर हो रखा है। रजिस्टर हो रखा है तो आपके जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके थ्रू मैं आपकी जो भी लीड्स हैं, जितने भी इंगेजमेंट्स हैं उनको स्टडी कर लूंगा। मैं आपके मार्केट को स्टडी कर लूंगा। मैं आपके जीएसटी के थ्रू आपका जो भी मान लेते हैं कि ट्रांजेक्शन हो रही है उसको स्टडी कर लूंगा। तो इन सब के थ्रू अल्टीमेटली एमएसएमई में जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्रेडिट है, उसको हम लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। और एनालाइज करने के बाद में, क्योंकि ये सभी चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, तो एनालाइज करने के बाद में अल्टीमेटली जो भी पॉसिबल अब जो लोन वगैरह लेने के लिए तरीके होंगे वो इस न्यू असेसमेंट मॉडल के थ्रू होंगे। इसके अलावा इन्हेंस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑन ट्रेड्स, ट्रेड्स पर जो ऑनबोर्ड करना होता है तो उसके लिए अब हमारा स्कोप और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। दिस इज अगेन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर। मुद्रा लोन क्या है? मुद्रा लोन में मान लेते हैं आपने 10 लाख तक का लोन दिया, आपने रीपे कर दिया, रीपे करने के बाद में नाउ यू आर एलिजिबल फॉर इन्हेंस्ड क्रेडिट। आप कह सकते हैं यहाँ पर इन्हेंस्ड क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अब ये इन्हेंस्ड क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट टाइम जब आप लोन लेने जाओगे तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा तरुण के ही अंतर्गत। क्रेडिट सपोर्ट एमएसएमई को दिया जा रहा है इनके स्ट्रेस पीरियड में, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस ही किया। स्ट्रेस पीरियड रहेगी तो उनको मतलब पैसे दे दिए जाएंगे, लोन दे दिया जाएगा। एमएसएमई यूनिट फॉर फूड इरेडिकेशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो है, जो एफएसएसआई के थ्रू जो भी हमारे मतलब स्टार्टअप्स वगैरह लगते हैं, एमएसएमई यूनिट इस्टेब्लिश की जाती है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर चीज़ें की गई हैं, किया क्या गया है। अब इन सब चीज़ों में फिफ्थ स्कीम आ जाती है हमारी, और ये आती है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। इसका मतलब क्या है? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह में क्या चीज़ें क्लियर की गई हैं? यहाँ पर कहा यह गया है कि देखो, ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट है या जो भी ग्रेजुएट है, अब उसको अल्टीमेटली स्किल देने की ज़रूरत है। लेकिन स्किल देने मात्र से चीज़ें नहीं ख़त्म हो जाती हैं, आपको स्किल के साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। और ट्रेनिंग अल्टीमेटली आपको कहाँ मिलेगी? जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो इंटर्न करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होगी। और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सरकार अब बात कर रही है, जो भी टॉप 500 कंपनीज़ हैं, टॉप 500 कंपनीज़ अलग अलग सेक्टर में, जैसे कंसल्ट हो गया, फाइनेंस हो गया, कोडिंग हो गया, ठीक है, सबके अलग अलग सेक्टर के हमारे जो भी कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ को अल्टीमेटली कहा जाएगा कि आप इनको इंटर्नशिप वगैरह पर रखो और इनको जो होता है स्किल डेवलप करो। क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आपको मतलब कि इम्प्लॉयबल बनना है तो। नॉर्मली क्या होता है, इस इंटर्न को लेकर के कोई पैसे वैसे कंपनी नहीं देती है। अगर आप मतलब ग्रेजुएट होंगे तो आपको पता होगा कि कंपनी जो होती है इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं देती है। आप आती है, आप अधिक से अधिक आपको क्या है, एक सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है, दैट्स इट, कि आपने यहाँ से इंटर्न किया हुआ है। सरकार ने कहा देखो ऐसा है, बंदे को पैसे की तो ज़रूरत है ही, और इसके लिए सरकार ने कहा कि मैं 5,000 रुपये पर मंथ अपनी तरफ से दिया जाएगा, सरकार देगी। और फर्स्ट टाइम जो असिस्टेंस दिया जाएगा वो 6,000 रुपीज़ का दिया जाएगा, 6,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पैसे दिए जाएंगे इस इंटर्न को, कंपनी की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से। वंस यू गेट द इंटर्नशिप यू विल हैव टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट पोर्टल एंड देन यू विल स्टार्ट रिसीविंग 5,000 मनी। अब ये सारी चीज़ें की गई हैं इंटर्नशिप के नाम पर, जिससे कि आपकी स्किलिंग, ट्रेनिंग और साथ में आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाए। इसके अलावा कई सारी और भी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल पार्क या फूड पार्क या सॉफ्टवेयर पार्क, ये सब होता क्या है? इंडस्ट्रियल पार्क या फूड पार्क का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डेवलप किया जाएगा जहाँ पर इंसेंटिव्स मिलेंगे। कई तरीके के इंसेंटिव्स हो सकती हैं, जैसे आपको सब्सिडी मिल सकती है, आपको जो भी लैंड रेंट है उसमें कुछ आपको कमी मिल जाएगी। कुल मिलाकर के इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर ल्यूक्रेटिव एडवांटेज, अट्रैक्टिवनेस मिल जाती है इस इंडस्ट्रियल पार्क के डेवलप करने पर। सरकार को क्या फ़ायदा है? सरकार को फ़ायदा ये है कि इस ये ग्रोथ पोल के तरीके से काम करना शुरू कर देता है, और इसके आसपास अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज़, एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंस और तमाम तरीके की इन्फिल्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट हमें फिर देखने को मिल जाती है। इन्फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सरकार ने यह कहा है कि जो भी यहाँ पर मतलब जो भी मार्केट एरिया में लोग रहने आएंगे, अब चूंकि मार्केट एरिया में यहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो रेंट ज़्यादा होने के लिए अब यहाँ पर डॉर्मिट्री, धर्मशाला, ये सब अकोमोडेशन पीपीपी मोड में बनाए जाएंगे वायबिलिटी गैप सपोर्ट के माध्यम से। तो सरकार अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी मतलब कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हाउसिंग हो गई, रैन बसेरा हो गया, ये सब यहाँ पर डेवलप कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के अंतर्गत जो भी हमारे पास में क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको भी अब डेवलप किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिससे कि अगर किसी तरीके का कोई भी इशू होता है तो इस ट्रिब्यूनल में जा करके जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। जो भी मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर यह है कि डीले नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी अब जितने भी इकोनॉमिक चेंजेस किए गए हैं लॉज वगैरह में भी,
लॉज में भी, तो अब यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन की जगह पर इसे एक ऑफेंस के तौर पर लिया जा रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस के तौर पर लिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर आपको जेल वगैरह मतलब इम्प्रिजनमेंट की जगह पर इन सबको पेनाल्टी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो कंट्री की होती रहे। हम जबरदस्ती की कोई अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर रहेगा तो अगर हम उसे मतलब क्रिमिनल के तरीके से ट्रीट करेंगे तो कंट्री की डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं हमारी हैम्पर होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के है। अब आज की डेट में अर्बनाइजेशन हो रही है और इसे रोका भी नहीं जा सकता। इनफैक्ट दिस इज़ अ नीड, ये नीड भी है। अगर आप ह्यूमन हैबिटेट का डेटा पढ़ेंगे तो ह्यूमन हैबिटेट का डेटा भी ये बोलता है कि अर्बनाइजेशन आज की डेट में ज़रूरी है, बट हमें फोकस करना होगा सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के तरफ। अब सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे? एक सस्टेनेबिलिटी होती है जो आप पॉलिटिकली सस्टेनेबिलिटी लेकर के आएंगे। पॉलिटिकली का मतलब कि आपका जेंडर एम्पावरमेंट होना चाहिए, और उसके लिए सरकार ने कहा है कि अगर वुमेन के नाम पर, अगर महिला के नाम पर अगर आपने घर खरीदा या फिर जो भी प्रॉपर्टी है वो की, अर्बन डेवलपमेंट किया, तो यहाँ पर जो भी स्टैंप ड्यूटी है उसमें आपको कुछ कम पैसे देने पड़ेंगे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब महिलाओं के नाम पर मतलब अपने घर की जो भी वाइफ है या फिर मदर है उनके नाम पर अल्टीमेटली करना शुरू करें। नॉर्मली वाइफ के नाम पर सब लोग करते हैं। दूसरी है स्ट्रीट मार्केट। अब स्ट्रीट मार्केट का मतलब यही हो गया कि यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट डेवलप की जाएगी। स्ट्रीट मार्केट का मतलब एक दिन होता है ना जहाँ पर बाजार लगता है, इसको बोलते हैं बाजार लगना। अब जैसे इसको लेकर के थोड़ी सी कहानी भी है, समझ लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो वी हैव, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात करें, तो नॉर्मली आपको दो एरिया आपको देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा महाराजगंज, दिस इज़ महाराजगंज, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कप्तानगंज, दिस इज़ कप्तानगंज। एक्चुअल में क्या है, दिस इज़ कैप्टनगंज एंड दिस इज़ महाराजगंज। होता क्या था कि जो भी ब्रिटिशर होता था वो अपने एरिया में एक दिन बाजार लगवाता था, जिसको बुलाता था कप्तानगंज, क्योंकि कैप्टन है, ब्रिटिश है, तो ये एक एरिया में अपना कप्तानगंज में अपना मार्केट लगवाता था, किसी एक दिन जो होता है बाजार लगती थी। अब इसकी सुपीरियरिटी को कम करने के लिए जो भी उस एरिया के, जो भी उस प्रोविंस के, जो भी उस प्रांत के राजा होते थे, नॉर्मली वो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर में ही वो भी एक बाजार लगवाते थे इन द नेम ऑफ महाराजगंज। और यही कारण है कि कप्तानगंज अगर कहीं एरिया आपको देखने को मिल रहा है उसके 10 किलोमीटर के पेरीफेरी में, 100% श्योर है कि आपको 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के पेरीफेरी में आपको कोई ना कोई महाराजगंज नाम का इलाका मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। तो यही चीज़ यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट बाजार लगने का मतलब है कि यहाँ पर 100 वीकली हाट डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब कि एक बिल्डिंग यहाँ पर मतलब वर्टिकल बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग सब बनाई जाएंगी। अब हाई राइज बिल्डिंग को हमें बेसिकली टारगेट करना है कि जो रोड पे कंजेशन है, जो ट्रैफिक है, इसको कम करना है। तो रोड पर ट्रैफिक क्यों लगता है? क्योंकि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल को अब हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर लेकर के जा रहे हैं। कैसे? मतलब ये बंदा आया, अपनी कार पार्क किया, ये पार्किंग हो गया, फिर उसके बाद से यहाँ पर अलग अलग माले पे अलग अलग काम हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर फूड प्लाजा है, यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स हैं, मॉल्स हैं, यहाँ पर मान लेते हैं रिक्रिएशन है, जिम है, यहाँ पर मान लेते हैं एक PVR है। अब बंदा आया, अपना पार्किंग में जो भी गाड़ी लगाना है लगाया, अपना काम किया, खाना खाया, फिर उसके बाद से शाम को जो भी मतलब सब्जी भाजी खरीदनी है वो ले गया, अगर बाल वाल कटाना है बाल कटा लिया, मूवी देखना है तो मूवी देख लिया, और रात में फिर अल्टीमेटली अपनी गाड़ी निकाल करके घर चला गया। अब इसको जो तरह तरह घूमना पड़ रहा था हॉरिजॉन्टली, वो अब नहीं घूमना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या? एक तो व्हीकुलर एमिशन हमारा कम हो गया, इन्वायरमेंट क्लीन हो गया, पेट्रोल का बेवजह जो चलता है वो ख़त्म हो गया, टाइम आपकी सेविंग हो गई, और उसके बाद से कंजेशन भी ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए। 14 लार्ज सिटीज़ में ये डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ वाटर मैनेजमेंट को लेकर के। प्रमोट वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज फॉर 100 लार्ज सिटीज़ थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट का किया जा रहा है। तो वाटर क्योंकि आज की डेट में एक रिसोर्स के तौर पर देखा भी जा रहा है, और वाटर को डेवलप इस तरीके से किया जाएगा। हाउ टू मैनेज दिस? हाउसिंग नीड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 ये लॉन्च की जा रही है। इसके अलावा इनेबलिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर इफिशियंट और ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट, जिसके लिए अब रेंट एग्रीमेंट वगैरह का एक रेंट एग्रीमेंट एक्ट होता है, ये रेंट एग्रीमेंट एक्ट फिर अल्टीमेटली किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा अनऑर्गेनाइज वे में रेंट न लिया जाए। नेक्स्ट वन इज़ फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। ये एनर्जी सिक्योरिटी भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में एनर्जीज़ भी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक रास्ता दिखा रही हैं। अब ये जो एनर्जी होती है दो तरीके की होती है, एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, या इसी को आप कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रेडिशनल एनर्जी में, और एक हो सकता है जो हमारी मॉडर्न मतलब एनर्जी सोर्सेज हैं। तो टारगेट जो किया जा रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ अब हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, या फिर मान लेते हैं कि हाँ ठीक है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ही है,
मान लेते हैं जैसे न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियर एक बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कि एक क्रिटिकल एलिमेंट है। तो यहाँ पर नॉर्मली पहले ये केवल और केवल पब्लिक सेक्टर के अंडर में ही आता था, लेकिन अब इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर अब इम्पॉर्टेंट सोर्स साबित हो रहा है हमारे एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्लस साथ में मेडिकल अप्लायंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, लैब में यूज़ किया जाता है, इस पर रिसर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। न्यूक्लियर का एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें अगर आप इनरिचमेंट करेंगे, अगर इसमें हम इनरिचमेंट करेंगे प्लूटोनियम वगैरह की, तो इट विल लेड टू क्रिएशन ऑफ बॉम्ब्स। जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो यहाँ पर क्रिएट होते हैं, और इसी वजह से इसकी क्रिटिकलिटी के कारण से इसे पब्लिक सेक्टर में रखा गया था। लेकिन अब एनर्जी की सिक्योरिटी को देखते हुए अगर आप इसे कंट्रोल्ड वे में करेंगे, अगर आप लिमिटेड वे में करेंगे, मैनेज्ड वे में करेंगे, देन ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी साबित होने वाला है। और इसीलिए अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर्स को भी अब न्यूक्लियर में इनिशिएटिव दे दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। सेटिंग ऑफ भारत स्मॉल रिएक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी ये डेवलप की जा रही है। अब जैसे पम्प्ड का मतलब यही है कि यहाँ पर न्यूक्लियर में आपको पानी, वाटर की जरूरत पड़ती है, कूलेंट वगैरह के तौर पे ये यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी डेवलप की जाएगी फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड फैसिलिटी ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा AUSC थर्मल पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। AUSC का मतलब दिस इज एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, ये हमारे थर्मल पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तो हमारे पास में डेवलप हो रखे थे, लेकिन अब एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बनाए जा रहे हैं NTPC और भेल के द्वारा मिलकर के। सो NTPC ये हमारी पावर ट्रांसपोर्ट मतलब पावर के लिए होती है, और दूसरी भेल तो हमारी है ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे पास में ये डेवलप किए जा रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी का ऑडिट भी किया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर एंड नेक्स्ट फेज एक्सपैंड टू 100 क्लस्टर। कुल मिलाकर के यहाँ पर एनर्जी ऑडिट की बात भी की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी बनाई गई है, जिसमें 1 करोड़ जो है इनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, 300 यूनिट तक दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपने अपने घर में सोलर लगवा दिया, तो सोलर लगवा दिया आपने छत के ऊपर में जो होता है इस तरीके से, 4 किलोवाट का मान लेते हैं कि सोलर लगवा दिया, तो सोलर के थ्रू एनर्जी आएगी। अब खाली सोलर के थ्रू आपकी घर की बिजली तो चलने वाली है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पोल से भी बिजली लेंगे, जो आपका मतलब गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो आप भी बिजली लेंगे। तो आपके यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, अब मीटर से 2 तरीके की आपको एनर्जी मिल रही है, एक तो आपको सोलर वाली भी मिल रही है, और आप साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर तो कायदे से देखेंगे मीटर तो दोनों नोट करेगा, तो दोनों नोट करने की जगह पर यही होता है, यहाँ पर टोटल मीटरिंग की जाती है, दिस इज टोटल मीटरिंग। टोटल मीटरिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सोलर वाला है उसको यहाँ पर हटा दिया जाएगा, और जो आपकी जो गवर्नमेंट वाली बिजली आ रही है केवल और केवल वही नोट होगी। सरकार ने कहा अगर आपने ऐसा काम कर रखा है तो वी विल प्रोवाइड यू 300 यूनिट जो होती है वो आपके लिए फ्री दे दी जाएगी, 300 यूनिट का पैसा आपको फ्री दे दिया जाएगा। इससे होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर लगाएंगे, और सोलर अगर आप लगाएंगे तो अब हमारा जो सिटी होगा वो धीरे धीरे स्मार्ट सिटी में बदलता जाएगा, स्मार्ट सिटी में बदल जाएगा, हमारा ग्रीन सिटी में बदलता जाएगा। तो इस वजह से इस पर फोकस किया गया, और इसमें लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 14 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिटी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। अब आपको पता है कि डेवलपमेंट अगर करना है तो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.4% ऑफ द GDP पैसा दिया गया है। इसके अलावा स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड को और भी एक्सपैंड किया जा रहा है। इसके अलावा जो डिजास्टर्स हैं इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन करने के लिए यहाँ पर जो कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक है जो कि बिहार में है बेसिकली, इस पर भी मतलब अब टारगेट किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो बाढ़ वाली प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट। बिहार में देखिए 2 प्रॉब्लम लगातार आपको न्यूज़ में सुनने को मिलेगी, एक कि बाढ़ आती है और दूसरा पुल गिर जा रहे हैं, ब्रिज जो होती हैं वो कोलैप्स कर जा रहे हैं। तो इस पर तो कर दिया गया, इस पर अभी इंजीनियर साहब लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लड मैनेजमेंट के लिए असम, सिक्किम, उत्तराखंड, इन 3 एरियाज में भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की भी प्रॉब्लम है वहाँ पर भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे रिस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन को लेकर के। इसके अलावा टूरिज्म को भी टारगेट किया जा रहा है। टूरिज्म चूंकि इकोनॉमी का बड़ा अच्छा सोर्स है, और बहुत सारे इंडिया स्टेट्स ऐसे हैं जो अपनी हेरिटेज, अपनी हिस्ट्री, अपने रिलीजियस नेचर, नेचुरल ब्यूटी, इन सब के कारण से यहाँ पर टूरिज्म अट्रैक्टन बन जाता है। अब जैसे विश्वनाथ जो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है जो बनारस में है, वैसे ही यहाँ पर विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर भी डेवलप किया जाएगा जो कि गया में है।
सिमिलरली इसी तरीके से राजगीर को भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। जो राजगीर है बिहार में है, ये हिंदू बुद्धिस्ट और जैन तीनों के लिहाज से ही इम्पॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। इसके अलावा नालंदा को भी एक टूरिस्ट सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम पर जैसे कि होता है। इसके अलावा उड़ीसा की भी डेवलपमेंट की असिस्टेंस दी जा रही है बिकॉज ऑफ देयर सीनिक ब्यूटी, टेम्पल, मॉन्यूमेंट, क्राफ्ट्समैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल पैकेजेस, ये सब चीज़ों के लिए अल्टीमेटली यहाँ पर चीज़ें की जा रही हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किन किन एरियाज में हम लोगों ने प्राइमरली फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट जो आठवां वाला एजेंडा है वो है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के। अब जैसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड एक डेवलप किया गया है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करेगी। इंडिया में देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, और इसी कारण से हम लोग कहीं ना कहीं मतलब बाहर की कंट्रीज पर ही डिपेंडेंट थे। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट कॉमर्शियल स्केल। अब जैसे क्या है, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उसके लिए भी हम लोग नैक रैंकिंग लेकर के आते हैं। इसके अलावा हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के लिए नीति आयोग जो है यहाँ पर अपना एक मतलब इंडेक्स भी निकालती है कि कौन मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्या हैं। तो इन सब से एक हमारा कंपटीशन बढ़ा है, और इन सब कंपटीशन में रिसर्च पेपर, रिसर्च कितनी हुई है, ये भी एक पैरामीटर के तौर पर होता है। तो यहाँ से रिसर्च इनोवेशन भी काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है। स्पेस इकॉनमी, अ वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1000 करोड़ इज टू बी सेटअप, VCF दिया जा रहा है स्पेस इकॉनमी के नाम पर। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर देखने को मिलता है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म को लेकर के। ये जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है ये है रूरल और अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन को लेकर के। जैसे जो ज़मीनें हैं ना, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होती है। अब इसका अगर आप डिजिटाइजेशन नहीं करेंगे, इसका आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, तो फिर दिक्कत ये होती है कि इसको लेकर के कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो भी बाहुबली है वो ज़मीन को कब्जियाने में बहुत तेज रहते हैं, आगे रहते हैं, तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना और इसके जो ओनर हैं इसको लेकर के आना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये एक तो क्या है, जो बाहुबली ग्रुप है उससे आपने इजाद पा ली, साथ में इसका अब आप इकोनॉमिक यूज़ करेंगे। जैसे इसे ओनर जो है वो अब मॉर्गेज के तौर पे लेकर के लोन ले सकता है, इसका फिर कॉमर्शियल इस्तेमाल कर सकता है, तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। और इसके लिए लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जस्ट लाइक जैसे आधार होता है वैसे ही ज़मीन का एक यहाँ पर आधार मतलब नंबर बनाया जाएगा, आई थिंक 12 डिजिट का या 10 डिजिट का ऐसा कुछ है। इसको बोला रहा है भू आधार फॉर ऑल लैंड, सर्वे ऑफ मैप सब डिवीज़न एज पर करंट ओनरशिप रहेगा, जो फार्मर की रजिस्ट्री है उसके साथ में लिंकेज रहेगी, लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरिया विल बी डिजिटाइज एंड GPS मैपिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा कैटास्ट्रल मैप बना दिया जाएगा, लैंड रजिस्ट्री की जाएगी, ये सब देखिए एनालिसिस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है, बहुत ही अच्छी चीज़ की गई है। अब देखिए बजट है, थोड़ा पॉलिटिकल तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप इसके पॉजिटिव साइड को देखेंगे और अगर आप थोड़ा सा अपने सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यस, यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव किया गया है, काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव किया गया है। टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की गई है, इनहेंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट किया गया है। FDI और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है प्रोसेस को। इंडियन रुपी की करेंसी जो होती है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में अब अपॉर्चुनिटी और लेकर के आएगी, जैसे मसाला बॉन्ड वगैरह हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। NPS वात्सल्य बनाया गया है, जिससे कि जो गार्जियन फॉर माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो माइनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये NPS वात्सल्य बनाया गया। NPS मतलब जैसे पेंशन स्कीम एक तरीके से। इसके अलावा डेटा गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा रहा है, कलेक्शन प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों पर भी काम किया जा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम अ सॉल्यूशन टू एड्रेस द रेलेवेंट इश्यूज, प्रोटेक्ट द कॉमन सिटीजन एंड मेंटेन फिजिकल प्रूडेंस विल बी फॉर्म्ड, ये सारा काम बेसिकली किया जा रहा है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक फाउंडेशन को लेकर के तमाम चीज़ें की गई हैं, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इम्प्रूव किया है, उसका यहाँ पर ये कर्व है, और MPI इंडेक्स हमारा इस तरीके से बढ़ा है। तो ये बेसिकली जितने भी हम लोगों को ये जो कर्व वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जब हम लोग एनालिसिस पार्ट करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से हमारा ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा टैक्स प्रपोजल भी किया गया है, सिंप्लीफिकेशन इन द टैक्सेस किया गया है, कि रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट किया जाएगा जो काफ़ी पुराना हो गया और ये रिव्यू मांग रहा था। इसके अलावा TDS की क्लैरिटी और चैरिटीज पर और सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, लिटिगेशन अपील की जाएगी, डीप मतलब जो टैक्स बेस है उसको और डीपन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली की जा रही हैं। बाकी यहाँ पर कस्टम ड्यूटी में भी चेंजेस किए गए हैं, उसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें बेनिफिट हो रही हैं ये सारा पॉइंट देखा गया है। यहाँ पर कुछ खास ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस करें। बाकी यहाँ पर DT यानी डायरेक्ट टैक्स में भी कई सारे प्रपोजल्स दिए गए हैं, एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, जो भी डोमेस्टिक क्रूज के ऑपरेशन है उसको सिंपल टैक्स रिजीम के अंतर्गत ला दिया गया है। तो ये सारे जितने भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब जब हम लोग एनालिसिस पार्ट लेकर के आएंगे तो वहाँ पर इन सभी पॉइंट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या किस किस तरीके से हमारे बजट में ये चेंज लेकर के आ रहा है। सो दीज आर द मेजर स्कीम्स, दीज आर द मेजर अलोकेशन इन द स्कीम्स, ये रिसिप्ट हो गए, एक्सपेंडिचर हो गए,
तो ये सारी चीज़ें थी बेसिकली जो हम लोगों ने डिस्कशन किया. सो दिस इज ऑल फॉर द ओवरव्यू ऑफ द बजट. नाउ वी विल कम ऑन विद द एनालिसिस पार्ट. तो एनालिसिस वाली चीज़ों को फिर हम लोग देखना शुरू करेंगे.